नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि के बारे में, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं एक नए संधि को लेके। वो हमारा क्या है? गुण संधि। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संधि से संबंधित कुछ नियम, तो संधि से संबंधित तीन नियम आपको बताए गए थे। पहला नियम जो था वो क्या था कि संधि में कितने पद होने चाहिए? दो पद होने चाहिए। दूसरा नियम क्या था संधि का कि दोनों पद कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। तीसरा नियम हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था? तीसरा नियम आपको बताया गया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था, और जिसमें यह बताया गया था कि पहले पद का अंतिम वर्ड और दूसरे पद का प्रथम वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, अगर ये तीनों नियम आपको याद है तो इसका मतलब आपको संधि अच्छे से समझ में आ रहा है। आइए हम शुरू करते हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि आइए हम जानते हैं। तो देखिए, गुण संधि का नियम यह कहता है कि जब किसके बाद? छोटा आ बड़ा आ के तुरंत बाद क्या आ जाए? बच्चों, छोटी बड़ी क्या आ जाए? छोटी ई बड़ी, या क्या आ जाए? छोटा उ बड़ा उ आ जाए, या क्या आ जाए? री आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? री। तो ये जो छोटा आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई में से कोई भी स्वर आता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ए में। और अगर छोटा बड़ा आ के बाद छोटा उ बड़ा उ आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों? ओ में। अब वहीं अगर री की बात करें तो री किस में परिवर्तित हो जाएगा? अर में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए हम छोटा आ लेते हैं, अगर छोटा आ के बाद छोटी ई आ जाए तो क्या क्या बनेगा? ए बनेगा। देखिए, यही तो नियम बताया गया कि यदि छोटा बड़ा के बाद कौन आ जाए, छोटी या बड़ी में से कोई भी स्वर आएगा तो किसमें परिवर्तित होगा? ए में। ठीक, वहीं अगर बात करें छोटा के बाद कौन आ जाए बच्चों? बड़ी, तब भी किसमें परिवर्तित होगा? ए में। ठीक, अब किसको लेते हैं हम? बड़ा को ले लेते हैं। यदि बड़ा के बाद कौन आ जाए? छोटी, तब भी किसमें परिवर्तित होगा बताइए? ए में। ठीक, अगर बड़ा के बाद बड़ी आ जाए तो किसमें परिवर्तित होगा बच्चों? तब भी किसमें परिवर्तित होगा? ए में परिवर्तित होगा। उसी तरह अगर हम मान लीजिए लेते हैं कि छोटा के बाद कौन आ जाए? छोटा ऊ, तो किसमें परिवर्तित होगा? तब किसमें परिवर्तित होगा? ओ में। ठीक, अगर हम बात करें छोटा आ के बाद कौन आ जाए बच्चों? छोटा आ के बाद कौन आ जाए? बड़ा ऊ, तो क्या होगा? तब भी हमारा किसमें परिवर्तित होगा? ओ में। ठीक, उसी तरह अगर बड़ा लेते हैं तो बताओ, बड़ा के बाद कौन आ जाए बताइए? छोटा ऊ, तो किसमें परिवर्तित होगा? तब भी हमारा किसमें परिवर्तित होगा? ओ में। ठीक, उसके अलावा अगर बड़ा के बाद बड़ा ऊ हो जाए आ जाए तो किसमें परिवर्तित होगा? तब भी किसमें परिवर्तित होगा? ओ में। अगर उसके बाद छोटा बड़ा के बाद कौन आ जाए? री। क्या आ जाए बच्चों? री। तो चलिए, आप री के बारे में आप बताइए क्या होगा बताइए। छोटा आ के बाद अगर री आ जाए तो क्या होगा? ठीक, देखिए लिखा गया है यहां आपके सामने कि यदि छोटा आ के बाद क्या आ जाए? री आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? री। तो किसमें परिवर्तित होगा? अर में परिवर्तित होगा। वहीं अगर बड़ा के बाद भी री आ जाए तब भी किसमें परिवर्तित होगा? तब भी हमारा किसमें परिवर्तित होगा? अर में ही परिवर्तन होगा। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं भी प्रथम पद का अंतिम वर्ड छोटा हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ड छोटी हो तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। उसी तरह अगर छोटा के पहले पद का अंतिम वर्ड क्या हो? छोटा, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ड क्या हो? बड़ी, तो क्या बनेगा? ए। उसी तरह हमारा इसमें भी होगा, उसी तरह हमारा दी के साथ भी होगा। अब आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मिटाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले हम किस पर? छोटा और इसके छोटी बड़ी पे देखते हैं। पहला हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, मिटाए बच्चों? ठीक, मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए
देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं किस पर, छोटा आ के बाद अगर कौन आ जाए, छोटी ई आ जाए, तो बताइए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, यदि छोटा आ के बाद छोटी ई आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए होगा कि नहीं होगा, कैसे आप बताओ। छोटा बड़ा के बाद यदि छोटी बड़ी में से कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ए। तो अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, देखिए जैसे नर प्लस इंद्र, क्या होगा, नर प्लस इंद्र। अब बताइए देखिए इसमें प्रथम पद में कौन सा स्वर आया, छोटा, द्वितीय पद में कौन सा स्वर आया, छोटी। अब आ और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे बताइए, ए। तो बताइए यहां से क्या बन जाएगा बताइए, न रा पर कौन सा मात्रा होगा बच्चों, ए का, और यहां पर क्या बन जाएगा, नरेंद्र, क्या बन जाएगा, नरेंद्र। नोट कर लीजिए, दूसरा आप एग्जाम्पल लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए सूर प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, सूर प्लस इंद्र, इसे आप लोग बताइए। यहां से बताइए सूर प्रथम पद से कौन सा स्वर आएगा, छोटा आ, यही तो आपको बताया गया, यदि छोटा आ के बाद कौन आ जाए, छोटी बड़ी में से कोई भी स्वर आए तो किसमें परिवर्तित होगा, ए में। अब यहां रा से कौन सा स्वर आया, आ, और यहां से कौन सा स्वर आया द्वितीय पद में से, छोटी। अब आ और छोटी मिलकर क्या बनाएंगे, ए, क्या बनाएंगे बच्चों, ए। तो बताइए सूर प्लस ई इंद्र मिलकर क्या बनाएंगे, सुरेंद्र, क्या बनाएंगे बच्चों, सुरेंद्र। नोट कर लीजिए, ठीक, ये हो गया छोटा आ के बाद कौन आया, छोटी ई। अब आइए हम देखते हैं यदि छोटा आ के बाद कौन आ जाए, बड़ी ई, ठीक, छोटा आ के बाद कौन आ जाए, बड़ी, तब भी क्या होगा, ए ही होगा। छोटा आ के बाद अगर बड़ी ई आ जाए तब भी क्या बन होगा बताओ, छोटा आ के बाद अगर बड़ी ई हो जाए, आ जाए, तब भी हमारा क्या होगा, ए ही होगा। कैसे, देखिए नर प्लस ईस। अब देखिए यहां से क्या आया, छोटा आ आया, यहां से क्या आया, बड़ी ई आया, यहां बनेगा क्या, ए। तो बताओ यहां आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए, तो क्या बन जाएगा, न रेस, क्या बन जाएगा बच्चों, नरेश। नोट कर लीजिए, ठीक, न रेस, ठीक। अगला एग्जांपल अगर देखना चाहें तो लिख लीजिए, देखिए परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। तो बताइए यहां से कौन सा स्वर आया, बताइए यहां से स्वर आया हमारा छोटा, और यहां से कौन आया, बड़ी ई। छोटा बड़ी मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, ए, क्या बनाएंगे, ए। अब बताइए ए बन गया तो यहां पर मा और ई की जगह पर किसका मात्रा आ जाएगा, ए, क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, यहां आ और ई की जगह पर कौन आएगा, ए। तो इसका मतलब यहां क्या होगा, परमेश्वर, क्या हो जाएगा बच्चों, परमेश्वर, क्या हो जाएगा, परमेश्वर। नोट कर लीजिए, ठीक, ये तो हमारा छोटा आ के से संबंधी नियम हो गया। अब इसी तरह हमारा अगर बड़ा आ के बाद छोटी ई आ जाए और बड़ी ई आ जाए, ठीक, नोट कर लीजिए तब बताते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए, मिटाए, ठीक। अब देखिए जैसे हमारा यदि बड़ा के बाद कौन आ जाए बच्चों, यदि बड़ा के बाद पहले कौन आएगा, छोटी, तब क्या होगा, यदि बड़ा के बाद बड़ी आएगा तो क्या होगा, तो आप दोनों जानते हो कि यहां पर भी ए होगा और यहां पर भी ए होगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे रमा प्लस इंद्र, रमा प्लस इंद्र, क्या होगा बच्चों, यहां से आप बताइए कौन सा स्वर आया, छोटा आ की बड़ा, बड़ा, और यहां से क्या आया, छोटी ई, आ, बताइए यहां, बताइए बड़ा और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, ए। तो बताइए यहां रमा प्लस इंद्र क्या बनाएगा बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, रमा प्लस इंद्र क्या बनाएगा बताइए, रमेंद्र, क्या बनाएगा, रमेंद्र, ठीक, ये क्या हो जाएगा,
रमेंद्र। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें बड़ा और बड़ी से संबंधी नियम, ठीक, इसमें भी क्या बनेगा? ए बनेगा। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे रमा की जगह हम ले लेते हैं महा, ठीक, और इंद्र की जगह ले लेते हैं ईस। क्या ले लेते हैं बच्चों? ईस। तो बताइए यहां महा से क्या निकला? बड़ा आ, और ईस से क्या मिला हमको? बड़ी ई। बताइए प्रथम पद का अंतिम वर्ड क्या आया? आ। द्वितीय पद का प्रथम वर्ड क्या आया बच्चों? बड़ी ई। तो आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए। तो अगर महा और ईस की बात करें तो आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? महेश। क्या बनाएगा बच्चों? महेश। ठीक, क्या बनाएगा? महेश। ठीक, अब इसी तरह हमारा छोटा बड़ा के बाद कौन आ जाए? छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो क्या होगा? आइए हम देखते हैं। ठीक, देखिए अब अगर किसके बाद? छोटा के बाद कौन आ जाए? छोटा ऊ, तो क्या होगा? अगर छोटा के बाद कौन आ जाए? बड़ा ऊ, तो क्या होगा? बताइए, छोटा के बाद अगर छोटा ऊ आए तो क्या होगा? ओ। और बड़ा ऊ भी आए तो क्या होगा बच्चों? ओ। ये आपको पहले ही बता दिया गया। अब एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो क्या होगा यहां पर? देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं वीर प्लस उचित। वीर प्लस उचित, तो बताइए यहां कितने पद हो गए? दो पद, पहला पद दूसरा पद। ठीक, दूसरा दो पद हो गए। साथ ही साथ अगर बात करें, साथ ही साथ बात करें तो यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ड क्या हो गया? छोटा आ। और यहां क्या होगा? द्वितीय पद का अंतिम प्रथम वर्ड छोटा ऊ। आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ। क्या बनाएंगे? ओ। तो बताओ यहां से आ गया, यहां से ऊ गया, तो वीर धन उचित मिलकर क्या बनाएंगे? बीरो, बीरो चित। क्या बनाएंगे बच्चों? बीरो चित। नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। और एग्जाम्पल देखना चाहिए चाहे तो देख लीजिए, परम धन उपकार। क्या? परम धन उपकार। तो बताइए यहां क्या होगा? आ। और यहां से क्या आया? छोटा ऊ। क्या आया? छोटा ऊ। आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाए? ओ। तो बताइए, बताओ, बताइए, बताइए। चलिए परम ना करके कर लीजिए आप, पर कर लीजिए, पर धन उपकार कर लीजिए। ठीक, तो यहां से भी क्या आएगा? आ। अगर यहां से आ और ऊ मिल गया तो क्या बन गया? ओ। ठीक, अब बताइए क्या बनेगा? तो परोपकार बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? परोपकार बनेगा। क्यों? यहां देखिए पर है, यहां से क्या आया? आ। और यहां से ऊ, तो इस पर मात्रा किसका हो जाएगा? ओ का। तो रा पर किसका मात्रा? ओ का। और फिर बचा क्या हमारा? पकार। तो क्या हो जाएगा? परोपकार। ठीक, अब हम आइए पढ़ते हैं, आ के बाद जब बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ठीक, आ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा बच्चों? चलिए बताइए, आ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए सूर्य प्लस ऊर्जा। एग्जाम्पल लिखिए सूर्य प्लस ऊर्जा। देखिए सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा। यहां बताइए यहां आ के बाद कौन आया? यहां देखिए यहां से क्या आया? छोटा। यहां से कौन आया? बड़ा ऊ। तो मिलकर क्या बनाए बताइए? ओ। तो ये क्या होगा? सूर्योर्जा। क्या होगा? सूर्योर्जा। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल लिखाने जा रहे हैं वो क्या है? जल प्लस ऊर्मि। क्या है? जल प्लस ऊर्मि। तो क्या बन जाएगा यहां से बताइए? छोटा आ।
यहां से बड़ा उ, और ये क्या बनाएगा ओ, तो क्या होगा जल प्लस उर्म मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, तो बताइए ये जो बनेगा वो क्या होगा, ज फिर ला पर किसका मात्रा ओ का, फिर यहां बताइए मा पर क्या होगा रा, तो क्या होगा जलोर्मी, क्या होगा जलोर्मी। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ठीक। उसी तरह अब हम पढ़ेंगे छोटा आ हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे बड़ा आ के बाद कौन आ जाए, छोटा ऊ, और बड़ा ऊ आ के बाद कौन आ जाए, बड़ा ऊ ठीक। मिटाते हैं, ठीक। अब बताइए यदि हमारा बड़ा के बाद कौन आ जाए बच्चों, बड़ा के बाद छोटा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, तब भी हमारा क्या बनेगा ओ बनेगा। अब अगर बड़ा आ के बाद कौन आ जाए, बड़ा ऊ, तब भी क्या बनेगा हमारा ओ ही बनेगा ठीक। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो एग्जाम्पल हमारा अगर बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो एग्जाम्पल लिखिए महा धन उदय, क्या होगा बच्चों महाधन उदय। यहां से बताइए क्या आया, पहले पद का अंतिम वर्ड क्या होगा बड़ा, क्या आ जाया आ गया बड़ा। द्वितीय पद का प्रथम वर्ड क्या है छोटा उ ठीक, यहां से कौन सा स्वर आया छोटा उ। अब आ और उ मिलकर क्या बनाएंगे हमारा बताओ ओ, क्या बनेगा ओ, तो महाधन उदय क्या बनाएंगे म, हा पर किसका मात्रा ओ का, फिर क्या होगा दय, क्या बन जाएगा महो दय ठीक, क्या बन जाएगा बच्चों महो दय। और एक एग्जांपल देखना चाहो तो और देख लीजिए एक एग्जांपल, और एग्जांपल देखना चाहिए चाहे तो लिख लीजिए महाधन उत्सव, क्या होगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव ठीक। इसमें यहां से बताइए प्रथम पद का अंतिम वर्ड क्या होगा बड़ा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ड क्या होगा छोटा ओ, आ और छोटा ओ मिलकर क्या बनाएंगे ओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा महाधन उत्सव, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा महोत्सव, किसमें परिवर्तित हो जाएगा बच्चों महोत्सव। और बच्चों एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपको संधि समझ में आ गया तो इसका मतलब आप 60% से 90% आप वर्तनी के क्वेश्चन को सही करके आओगे, और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप वर्तनी के भी क्वेश्चन गलत करके आओगे ठीक। ये नोट कर लीजिए, फिर आपको बताएं छोटा बड़ा के बाद कौन आ जाए बड़ा ऊ ठीक, नोट कर लीजिए। अब नोट करिए जब बड़ा के बाद कौन आ जाए बच्चों, बड़ा के बाद कौन आ जाए बड़ा ऊ, तो लिखिए बड़ा के बाद कौन आ जाए बड़ा ऊ, तो क्या होगा तब भी हमारा क्या होगा ओ ही होगा। एग्जाम्पल लिखो दया प्लस ऊर्मी, तो किसमें परिवर्तित होगा बच्चों, यहां से बड़ा आएगा और यहां से क्या आएगा बड़ा ऊ, तो आ और ऊ बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे ओ, क्या बनाएंगे ओ, तो बताओ दया प्लस उर्म क्या बनाएगा द, या से आ का आ चला गया और यहां से ऊ मिलकर क्या बनाएंगे ओ, तो क्या होगा दयो, फिर यहां पर बचा का क्या मां के ऊपर रहा, तो क्या हो जाएगा दयोर्मी ठीक। अगला लिखना चाहो एग्जाम्पल तो लिख लीजिए महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए महाधन ऊर्जा यहां से आया क्या बड़ा, क्या आया बड़ा, यहां से आया बड़ा ऊ, तो बताओ आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाए ओ, क्या बन गया बच्चों ओ। अब यहां बताओ क्या बनेगा, तो मा हा पर ओ का मात्रा, फिर क्या होगा जा पर रा का मात्रा महोर्जा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ठीक।
अब अगला जो हम नियम पढ़ेंगे वो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि छोटा आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए तो क्या होगा, आर होगा। और अगर बड़ा आ के बाद री आ जाए तब भी क्या होगा, आर ही होगा। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगला हमारा जो है वो कौन आ जाए, देखिए यहां छोटा बड़ा के बाद, छोटा के बाद कौन आ जाए, री आए तब क्या होगा, आर होगा। और अगर वहीं बड़ा के बाद भी कौन आ जाए, री आ जाए तब भी हमारा क्या होगा, आर ही होगा। ठीक, क्या होगा, आर ही होगा। आइए हम देखते हैं कैसे। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है, छोटा के बाद और कौन आ जाए, री, तो क्या होगा, आर। क्या होगा बच्चों, आर। तो एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखिए देव प्लस ऋषि क्या है, देव प्लस ऋषि क्या है बच्चों, देव प्लस ऋषि। यहां पर आप बताओ यहां वा से कौन सा स्वर आया, छोटा, यहां से कौन सा आया, री। अब और री मिलकर क्या बनाए, अर। क्या मिलकर बनाए बच्चों, अर। अब यहां एक चीज बताओ, इस देव प्लस ऋषि को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दे, बताओ ये जो आपको नियम बताने जा रहे हैं ये आपको वर्ड से स्वर कैसे निकालते हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे संधि करते हैं बताइए। वह हमारा व्यंजन है तो व्यंजन किसकी सहायता से लिखा जाता है, स्वर की सहायता से। अब यहां कौन सा स्वर है, छोटा आ, ठीक। और यहां पर क्या है, रीस, और यहां क्या बन जाएगा, ऋषि, ठीक। अब बताओ आ और री मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा अर बना लिए। क्या बना लिए बच्चों, अर। अब बताइए उसी तरह अगर हमारा आ से वा में आ मिल गया तो देव हो गया, क्या बन जाएगा, देव। अब ये रा है, रा का मतलब रेफ वाला रा, और रेफ वाला रा जिस वर्ड के पास उच्चारण होता है वो हमेशा लगता क्या है, उसके बाद वाले वर्ड पे। तो बताओ देवर्षि।